जनपद शामली के वाल्मीकि समाज के युवक की जेल में मौत के बाद परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों ने शव को कोतवाली के बाहर रखकर हंगामा प्रदर्शन किया और एक भाजपा नेता और दरोगा पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। शामली शहर के मोहल्ला पंसारियान वाल्मीकि बस्ती 25 मई को अनिल वाल्मीकि और आकाश और छोटा पक्ष के लोगों में झगड़ा हो गया था। इस मामले में अनिल वाल्मीकि की बेटी हिमांशी वाल्मीकि की तरफ से कोतवाली पुलिस ने आकाश और छोटा पुत्र राकेश, राहुल, साहिल, गीता आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने 26 मई को एक आरोपी आकाश और छोटा पुत्र राकेश निवासी मोहल्ला पंसारियान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 2 जून को जेल में अचानक ही आकाश की हालत बिगड़ गई, जिसे जेल से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बाद में उपचार के दौरान आकाश की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद उन्होंने मोहल्ले में हंगामा प्रदर्शन किया। परिजनों ने हंगामे की सूचना पर शामली सदर कोतवाली पुलिस PSC बल के साथ वाल्मीकि बस्ती पंसारियन में पहुंची और परिजनों को समझा बुझा कर शांत किया। सुरक्षा की दृष्टि से मोहल्ले में पुलिस और PSC बल तैनात किया गया है। और उधर देर रात को परिजन मेरठ से पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर शामली पहुंचे, जिसके बाद परिजनों और वाल्मीकि समाज के लोगों ने कोतवाली के बाहर शव रखकर जबरदस्त हंगामा प्रदर्शन किया। हंगामे से पूर्व ही पुलिस ने कोतवाली परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था और किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया गया। देर रात तक परिजन शव को कोतवाली के बाहर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुजफ्फरनगर जेल में उन्होंने मुझे कुछ पता नहीं दिया। आज सुबह फोन आया वहाँ से, कौन बोल रही है? मैं आकाश की मम्मी बोल रही। मैं कहने लगा कोई है यहाँ, मेरा लड़का है राहुल, उनसे बात करवा दो, मेरी उनसे बात करवा दो। कह दिया इस पार होगा, तुम्हारा भाई इस पार होगा, इसकी मम्मी मेरे बिना पूछे ना मुझे कोई पता दिया वहाँ से, ना मुझे कुछ करा, कुछ नहीं करा मुझे। मेरे बच्चे को आज के दिन देखे थे, उठा के शिवराम दरोगा अंदर से पीटता हुआ 8 दिन में। मुझे नहीं पता क्या करा उन्होंने मेरे बच्चे के साथ में। मेरे बच्चे के एक बच्चा है बस, अभी 2 साल का। घनश्याम पाठा ने 50,000 रुपये ले लिए थे मेरे से, 1,00,000 रुपये मांग रहा था। भाजपा की धमकी दे गए मुझे, नुके भाई गोलियां बजाऊंगा, मोहल्ले में दिखाई नहीं देने के तुम्हें, अब तुम्हें सिखाऊंगा मैं रहना वहाँ। हमने भी दी होगी, मैं सिखाऊंगा तुम्हें रहना वहाँ। घनश्याम पाठा बादल है, एक मनोज है नरेश का लड़का, स्टेशन पे है अनिल, ममता, मानसी, निक्की, इन्होंने मेरे बच्चों को झूठे आरोप में फंसा दिया। 354 मेरे पे भी लगा दी, गलत धारा लगा दी मेरे पे भी। हमारे पैसे वही वो, अरे 1,00,000 रुपये थे मेरे, मांगने गई थी मैं, यही मांग रही थी, मैंने यही मांग रही थी मैं ममता से पैसे, मेरे पैसे दे दे 1,00,000 रुपये, मेरे बब्बो दे दे, मुझे जरूरत है। मेरा भाई मोटरसाइकिल मांग रहा, मुझे तुझे दूंगी मैं पैसे, आ जा तुझे दूंगी मैं पैसे। अब लड़की का इल्ज़ाम लगा दिया झूठा, लड़की की शादी भी कर दी, सब कुछ हो लिया। कोतवाली में उस दिन करी खड़ी हो गए दरोगा के सामने, मेरी लड़की का अपहरण करे थे, दिए फेरों पैसे अपहरण करे थे, जब 11 तारीख को शादी होगी 24 तारीख को अपहरण कैसे कर रहे हैं वहाँ से फेरों पैसे, बताओ कहाँ। देखिए 25 मई को थाना कोतवाली में अनिल वाल्मीकि की जो पुत्री हैं उनके द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था, जो जिसमें आरोप था कि 5 अभियुक्त के द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई है और छेड़खानी भी की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पर 26 तारीख को उसमें से एक अभियुक्त आकाश को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बिल्कुल लीगल तरीके से उनकी अरेस्टिंग की गई और उनके मेडिकल भी उनको जेल भेजने से पहले कराया गया था, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि कोई मेडिकल में कोई इंजरी जो है उनकी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं है। उनको पुलिस के द्वारा जेल में दाखिल कराया गया न्यायालय के आदेश पर और उसके बाद जो जेल से फिर सूचना मिली है कि उनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हुई, उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। अभी जो है बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह सब कराया जा रहा है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी।